हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और इससे पहले मैंने दो वीडियो करेक्टेंस का अपलोड कर चुका हूं और ये तीसरा वीडियो है। और ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के ऊपर परस्पेक्टिव से बना रहा हूँ मैं। और आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 2000 HSLC में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, है ना। तो आप लोग पहले रूल्स देख लीजिए, पहले का जितना भी रूल्स है वगैरह वो सब आप पहले देखिए, उसके बाद ही ये देखिएगा तो अच्छा रहेगा। इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ 1998 से लेकर 2005 तक। ये 2006 का वीडियो है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, फादर इज नॉट एट होम, ही गो आउट, है ना। तो ये इसमें कुछ रूल्स नहीं है, डायरेक्ट है ये। इसमें किसका अगर हिंदी निकाला जाए तो बोल रहा है मैं पिताजी घर पर नहीं है, वो अभी अभी निकले, जस्ट निकले। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपका? फादर इज नॉट एट होम कॉमा ही हैज़ गॉन, क्या हो जाएगा? ही हैज़ गॉन आउट। ही हैज़ गॉन, हैज़ गॉन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नया चीज़ आया है ना। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, ही रीच द स्टेशन, ही रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर या बिफोर है, और आफ्टर बिफोर का साथ ही है डिपार्टेड का, मतलब ये वर्ब टू दिया हुआ है ना। अब वर्ब टू रहता है तो क्या करता है, याद है ना, हैड प्लस वर्ब थ्री। तो क्या हो जाएगा, ही हैड रीच्ड, ही हैड रीच्ड द स्टेशन, ही हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डिपार्टेड। ठीक है, उसके बाद देखिए इट इज़ टाइम, क्वेश्चन है इट इज़ टाइम। अगर स्टार्टिंग कहीं भी इट्स टाइम हो या इट इज़ टाइम से हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब टू में ही से जो ब्रैकेट वाला वर्ड होगा उसको वर्ब टू में चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इट्स टाइम वे रिटर्नड, ईडी लग जाएगा, वे रिटर्नड होम। ठीक है, वे रिटर्नड होम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चंस में द न्यू टीचर टीच फॉर अस 4-6 months। देखिए सिंस या फोर रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हम लोग बनाते हैं, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो क्या होगा, द न्यू टीचर हैज़ बीन टीचिंग अस 4-6 months। ठीक है, 4-6 months। तो इसमें नया चीज़ क्या है, हैज़ बीन टीचिंग को अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद है मोहन रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रनिंग, इट स्टार्ट रनिंग, रनिंग इधर है तो ये देखिए आफ्टर बिफोर है, इधर में क्या है स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या है वर्ब टू। जब भी हैड आफ्टर बिफोर के बाद अगर वर्ब टू दिया रहे तो वो पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं, हैड प्लस वर्ब थ्री। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैड रेस्ट, मोहन हैड रेस्ट होम बिफोर इट स्टार्टेड रनिंग। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट देखिए हम लोग, ही टोल्ड अस डैट ही नेवर टेल, ये टेल का डबल एल होगा, मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ही टोल्ड अस डैट ही नेवर टेल्स, इसमें एस लग जाएगा, टेल्स अ लाई। ठीक है, ही नेवर टेल्स अ लाई। उसके बाद देखिए, आवर टीचर गो टू लंदन लास्ट ईयर, देखिए लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, कुछ भी रहे, कुछ भी, ये अगर लास्ट वर्ड आपको दिखाई दे देते सीधा सीधा कुछ नहीं करना, ब्रैकेट वाला जो वर्ड होगा उसको वर्ब टू में चेंज कर देना है, किसमें चेंज कर देना है, वर्ब टू में चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर
गो का भाव टू क्या हो जाएगा, इसका जो है भाव टू, भाव टू गो का क्या हो जाएगा, वेंट। आवर टीचर वेंट टू लंडन लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन राइट्स अ नंबर फॉर शॉर्ट स्टोरी। तो जॉन जो है राइट्स कर रहा है एक नंबर किसके लिए, फॉर शॉर्ट स्टोरीज। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जॉन राइट्स अ नंबर फॉर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, तो इसका क्या हो जाएगा, जॉन हैज रिटन, वो अभी अभी लिखा है, जॉन हैज रिटन, जॉन हैज रिटन अ नंबर, जॉन हैज रिटन अ नंबर जॉन हैज रिटन अ नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, उसके बाद देखिए वी शुड नेवर टेल है, तो सेम ही क्वेश्चन है, अभी अभी बताया मैंने, ही टोल्ड अस डैट ही नेवर टेल अ लाई, सेम ही टाइप में। अगर देखिए अगर यहाँ पर ही रहे तो यहाँ पर मैंने एस लगा दिया, अगर ही नहीं रहता तो एज इट इज क्वेश्चन में रख देते, ऐसा भी होता है बहुत सारे क्वेश्चन, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी शुड नेवर टेल ही हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वी है और वी के साथ एस नहीं लगता, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ एज इट इज रहेगा, वी शुड नेवर टेल अ लाई। ठीक है, तो वी शुड नेवर टेल अ लाई, समझ पा रहे हैं, इसमें एस ये नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वी है। अगर देखिए आपको तीन चीज़ रहा, मान लीजिए ही सी इट और एनी वन नेम, क्या एनी वन नेम, कोई एक नाम रहे, इसका साथ आपका एस या एस लगा सकते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें अगर इसका छोड़ कर कुछ भी रहे तो उसका साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब वन यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं रहा तो क्या यूज करेंगे, वर्ब वन, क्लियर है। उसके साथ उसके बाद देखिए लास्ट का है कुछ, तो लास्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिया हुआ। देखिए 12 का, द लेडी स्लीप्ड वाइल, देखिए व्हेन या वाइल रहे, आपको मैं बताया था व्हेन रहे या वाइल रहे, और साथ में एक वर्ब टू रहे दिया हुआ है, तो किस में रहे, पास्ट कंटीन्यूअस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द लेडी, दिखाई नहीं दे रहा होगा, अच्छा दिखाई देगा, दे रहा दिखाई, ठीक है, द लेडी स्लीप्ड वाइल सी वाज क्लाइंबिंग, आईएनजी लग जाएगा, सी वाज, ठीक है, द लेडी था इसीलिए हम वाज लाए, अगर लेडी नहीं रहता है तो वर लाते हैं, है ना, क्लाइंबिंग द स्टेप्स, क्लियर। तो ये रहा 12 तक, आगे हम चले देखते हैं। तो अभी नेक्स्ट पर चलते हैं, एक ये देख लिए थे, अब देखिए वी शैल वेट हियर अनटिल ही कम बैक। तो मैं इससे पहले बता चुका हूँ, अगर एक फ्यूचर इनडिफिनिट में हो, कोई भी टेंस अगर एक फ्यूचर इनडिफिनिट में दिया रहे तो आपको दूसरा किस में चेंज करना पड़ता है, प्रेजेंट इनडिफिनिट में। तो अगर एक फ्यूचर इनडिफिनिट में दिया रहे तो दूसरा किस में चेंज करेंगे, एक फ्यूचर इनडिफिनिट में दूसरा प्रेजेंट इनडिफिनिट में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है फ्यूचर इनडिफिनिट में दिया हुआ, तो हमें ये जो चेंज करना पड़ेगा वो प्रेजेंट इनडिफिनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वी शैल वेट हेयर अंटिल ही कम्स बैक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमें एस या यस जोड़ने से हो जाएगा, ही टक्स एज इफ होगा, अगर कहीं भी आपको एज इफ है कहीं भी देखने को मिल जाए तो सीधा सीधा ब्रैकेट को क्या करना, वर्ब टू में चेंज कर देना है, कहीं भी होने से आपको सीधा वर्ब टू में ही चेंज करना है। ठीक है, तो ही टक्स एज इफ न्यू, क्या हो जाएगा, ये न्यू हो जाएगा, के एन ई डब्ल्यू एवरीथिंग। ठीक है, ही न्यू एवरीथिंग।
उसी तरह 2010 का क्वेश्चन देख सकते हैं। 10 का क्वेश्चन में क्या है, ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल, वाइल अभी दिख गया, व्हेन या वाइल शब्द हो तो क्या करना चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस, तो समझ गया, ही जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट वाज मूविंग, इट वाज मूविंग। ठीक है, तो आगे देखते हैं, ही सेड दैट ही पोस्ट द लेटर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भाव टू है, तो हमें इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं। ही सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर, ही हैड पोस्टेड द लेटर, समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिए बी अगेन आ गया, और सिंस फॉर रहे तो क्या करना, हैज बीन में या हैव बीन में, तो ही कह ही है तो ही के साथ हैज लगता है। He has been a teacher since 1994. क्लियर, तो उसके बाद आगे देख लेते हैं, We know each other for 5 years. तो 4 है, तो सिंस या 4 रहे तो क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन लेकिन यहाँ रुक जाइएगा, अगर ब्रैकेट में नो वर्ड है, मैंने बताया था अगर सिंस 4 हो, मैंने बताया था अगर सिंस 4 हो और ब्रैकेट में नो वर्ड हो, क्या वर्ड हो, नो, तो सावधानी रहिएगा। ब्रैकेट में अगर नो वर्ड है, सिंस 4 के साथ क्या वर्ड होना चाहिए, नो वर्ड हो, तो हम इस वर्ड को हम लोग चेंज कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, किस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब हैज हैव के साथ भाव थ्री यूज करते हैं इसमें। ये स्पेशल केस है, स्पेशल ध्यान रखिएगा इसको, और ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है एग्जाम में, समझ में। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, तो वी हैव नॉन, वी हैव नॉन ईच अदर, वी हैव नॉन ईच अदर फॉर 5 years. ठीक है, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं, ये दो बार 2011 आ गया है, तो इसीलिए एक बार देखते हैं। द अदर डे आई मेट द मैनेजर, द अदर डे का मतलब ही होता है प्रीवियस डे, और प्रीवियस डे का मैंने बताया था, जब भी प्रीवियस डे हो या फिर एस्टरडे हो तो पास्ट इंडेफिनिट हम लोग चेंज कर देते हैं, तो इसको भी आप लोग उसी लिस्ट में जोड़ लीजिएगा, अदर डे को द पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा, द अदर डे आई मेट, द अदर डे आई मेट अ मैजिशियन इन द बाजार। क्लियर, तो हम लोग ने 2011 तक कविता कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग का सहयोग रहा तो ज़रूर आगे वीडियो में बनाते रहूँगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।